होगा बता? पसंद तो आया है मुझे। कितने का आया होगा? बड़ी अच्छी है। कितने का आया होगा बता? 900-1000 रुपए। मोहत है, मोहत है तो 1500 का है। 5000 का है। चल 5000 का। ये यकीन नहीं हो, 5000 का जूता लाया है। बाकी पैसे अब तो घर कैसे जाएगा? घर पैदल। देखो सामने रहा अक्षरधाम, तो मैं जा रहा हूँ इधर पे भाई, मस्त एकदम वृक्ष में। और ये देखो अक्षरधाम, अभी यहाँ जाते हैं, यहाँ फोन तो नहीं ले जाने देते, बट बाहर से देखो कितना सुंदर। तो ये करोल बाग में भी वही कपड़े, वही सब कुछ, वही देखो गाइस, सिस्टम ही सिस्टम हो रखा है यहाँ पे देखो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग्स गाइस। तो तुम्हारा भाई फिर से तैयार हो चुका है। आज देखो कहाँ निकलता है तुम्हारा भाई, मुझे ही नहीं पता है। बस जा रहा हूँ दिल्ली में, अंट शंट कहीं भी घुमाऊंगा, ठीक है। पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ गया हूँ, क्या गया हूँ, समझ में नहीं, मुझे भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ। जहाँ भी जाऊँगा आपको ले जाऊँगा, ठीक है। बने रहिए व्लॉग में। और तुम्हारा भाई आज नई नई टी शर्ट पहने, उद्घाटन तो बधाई आप पक्का दें, क्योंकि मैं नहीं रह सकता भाई। लोग रहते हैं ना कि एक स्पेशल डे होगा, मैं उस दिन पहनूंगा, यहाँ ऐसा कुछ स्पेशल नहीं रहता है। बस खरीद लो, उसके दूसरे दिन पहनो और निकल लो, ठीक है गाइस, नो कॉम्प्रोमाइज। कल हो ना हो, समझ रहे हो ना भाई, क्योंकि नचो मैं भीड़ का हाथ जानो मौसम से आमा छोड़ी दो भीड़ का ना दरने गुटका क्योंकि नचो मैं भीड़ का। गाइस फाइनली तुम्हारा भाई निकल चुका है फिर से कहीं, कहाँ पहुँच गए, ठीक है गाइस। तो हम दिखाते हैं आपको हम आज कहाँ पहुँचते हैं, सोचा तो है थोड़ा बहुत अगर वहाँ जा पाऊँ तो, ठीक है गाइस। तुम्हारा भाई पहुँचा अब करोल बाग, सबसे पहले करोल बाग में, क्योंकि कल वहाँ गया था, आज करोल बाग, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको करोल बाग का सिस्टम। तो ये करोल बाग में भी वही कपड़े, वही सब कुछ, वही देखो गाइस, सिस्टम ही सिस्टम हो रखा है यहाँ पे देखो, बहुत ज़्यादा। ये देखो गाइस, करोल बाग उतना सही तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है, मतलब वहाँ सरोजनी में तो बहुत भीड़ थी, तुमने देखा ही था, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है मतलब। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे कहीं और गाइस, मैं तो निकल जाऊँगा कहीं और, ठीक है। फाइनली मैं एक मॉल में गया हूँ आज, और एक महंगा जूता खरीदने, क्योंकि क्या करूँ यहाँ जूता नहीं है मेरे पास, जूता फट चुका है, अब यहीं से लेना पड़ेगा। तो दिखाता हूँ मैं कौन सा जूता ले रहा हूँ, ठीक है। जूता कैसा लग रहा है? तुम्हारे भाई ने पहना है तो अच्छा ही लग रहा होगा। देखो ये, यो देखो गाइस, ये दिखाओ, ये गाइस, ये इस जूता बहुत ही महंगा है, क्या बताएं गाइस। तुम्हारा भाई 1000 रुपए का जूता पहनने वाला, आज 5000 का जूता पहन रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। देखो तुम्हारा भाई इतना हीरो बन के मॉल में गया है, देखो ये एक हीरो बन में जा रही हूँ ना, आज तक सिस्टम हैंग कर दियो नहीं। जूता बहुत गजब महंगे थे आप, 5000 जो तो दुख आज तक मेरे इसमें क्या खाना दे, 5000 जोत खरीदने को सुना को। ये देखियो गाइस, भयंकर थैल मेले दे रहा है, बुगेला की चक्कर नहीं। आज मिल करोल बाग बड़े 5000 जो दीरा, मैं की करूँ, कौन के मत करूँ, मर कत्थे के मरूँ, और दिमाग खराब है वो खराब ना। मैं बता दे रहा हूँ, मम्मी को बात पता चली तो मम्मी मुझे जेल डाल देगी मुझे लग रहा है। और ये गाइस, ये देखो इतनी वीआईपी पन्नी में आया है, तो तुम लगा लो यार कि महंगा होगा, मॉल से लिया है। अब यार क्या करूँ, मजबूरी थी, जूता नहीं था मेरे पास, जूता फट चुका है मेरा। और बाकी आप जो भी हो, अब घर में गाली खाऊंगा तो खाऊंगा। यहाँ से जूते वूते खरीद के मैं निकल रहा हूँ अब अक्षरधाम, क्योंकि पास में है, तो अक्षरधाम जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे जाना था, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो दिखाते आपको गाइस, करोल बाग में मज़ा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। अक्षरधाम क्योंकि पास में था, मैं अक्षरधाम तो मैं दिखा देता हूँ। कई लोगों ने कहा था कि जहाँ जाओगे तो अक्षरधाम दिखाना। देखो सामने रहा अक्षरधाम, तो मैं जा रहा हूँ इधर पे भाई, मस्त एकदम वृक्ष में। और ये देखो अक्षरधाम, अभी यहाँ जाते हैं, यहाँ फोन तो नहीं ले जाने देते, बट बाहर से देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब अंदर जाएंगे तो, अगर जहाँ तक ले जाने देंगे वहाँ तक तो आपको दिखाएंगे हम। पर ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो यहाँ कसकाल भीड़ है रे बाबा हो, अंडरस्टैंड अक्षरधाम में देखा, एक भयंकर आ रहे हैं, देखिए बहुत ही भीड़ है अक्षरधाम में। तो मैं कश्य जो परेशान है कि आदमी में एक लोग कश्य जो, बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और ये रहा तुम्हारा अक्षरधाम सामने गाइस, अक्षरधाम ये है, बट यहाँ पे फोन नहीं ले जाने देंगे तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, यहाँ से दूर से दिखा दे रहे आपको, ठीक है गाइस। अंदर तो मैं गया नहीं, फ़ोन जमा कर दिया यार उन्होंने पहले ही, बस उतना ही दिखा पाया, सॉरी उसके लिए, क्योंकि अंदर जाने तक तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया, फिर क्या कर सकते हैं गाइस। अब हम जा रहे हैं घर को, ठीक है। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ घर को, ठीक है, और आपको दिखाऊँ। अंदर से तो आपको अक्षरधाम नहीं दिखा सका, बट इधर पर एक बहुत ही खूबसूरत वो लगा रखा अक्षरधाम के यहाँ पे, तो दिखा रहे हम आपको अक्षरधाम ऐसा है ये, बहुत ही खूबसूरत गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत ही प्यारा है, देखो ये मस्त है। पैदल पैदल फिर लगे खाल, वहाँ
के फोन नहीं देने, बट था एक नंबर गाइस, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं था, मतलब था बहुत बढ़िया एकदम एक नंबर, बट भीड़ इतनी थी कि नंबर आते आते नंबर जैसा हो गया हमें। गाइस देख सकते हो अब नाइट का नज़ारा यहाँ पे, देखो ये बहुत ही भयंकर दिल्ली है ये। सो गाइस फाइनली मैं पहुँचा फिर से मेट्रो की दुनिया में, तो यहाँ से अब जाएंगे हम घर को, घर जाकर दिखाएंगे अभी इनको 5,000 वाला शौक देना है दीदी लोगों को, बहुत गंदा शौक लगेगा गाइस। और बाकी राय तो यहाँ एक पढ़ाकू मिले हमें जो बहुत पढ़ते हैं पर सड़ जाते हैं थोड़ी देर बाद, पढ़ नहीं पाते, बट देखो ये गाइस कुछ कहना चाहोगे इस मुद्दे पे, इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहोगे? हेलो गाइस, एटीट्यूड देखो ना गाइस, और कुछ कहना चाहोगे? मामा कुछ लाए हैं अपने लिए, ओ बहुत महंगा जूता है, थैली इतनी महंगी है, जूता कितना महंगा होगा बताइयो मत, हाँ अपनी मम्मी को नहीं बताना कि महंगा जूता लाए मामा, ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, तो आपको दिखाते हैं हमारा 5,000 का जूता, बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही सॉलिड होल मिला यो ना गर्दन। गाइस पहली बार इतना महंगा जूता पहनना यार, नहीं तो मैं 1,000 रुपये का जूता बस, इससे ज़्यादा तो मैं कभी निकला ही नहीं ऊपर, 1,100 ज़्यादा इससे पहली बार पहना था 1,200 रुपये का जूता, बट इस बार मैंने बहुत ही महंगा महंगा जूता। गाइस ये देखो गाइस, घर की देवरानी ना देख, घर की महारानी आ गई है यहाँ पे, देवरानी कह रहा हूँ, ये देखो गाइस सब्जी, और ये देखो हमारी रेखा रानी, और इधर पे देखिए हमारा क्या है ये, वाओ ये जूता लाया है, हाँ कितने का लाया, कैसा है ये बता, बहुत अच्छा है, हाँ कितने का होगा बता, पसंद तो आया है मुझे, कितने का होगा बता, अच्छी है, कितने का आया होगा बता, 900-1,000 रुपए, वाह मोहत है, मोहत है, 5,000 का है, चल 5,000 का, ये यकीन नहीं, 5,000 का जूता लाया है, बाकी बस अब तो घर कैसे जाएगा, घर पैदल, इसे यार इसने बेइज्जती करवा दी हमारी, अब 5,000 का जूता लाया, इतने में तो हम सब कपड़े ले आते ना, अरे यार ब्लॉगर आदमी है थोड़ा महंगा, अब तो इनकम आने लगी है तो इतना तो चलता है, सच में यार 5,000 का, हाँ सच में 5,000 का है, तभी तो इतना सॉलिड है, देख उसको हाथ लगा, उसको पहनने जैसी भी नहीं लगेगी, तो इसको खोपड़ी में पहनना भी तो। गाइस ये तो बेइज्जती हो गई, खोपड़ी में पहनना तो जूता तो पैर के लिए होता है ना, तो यार 5 हर बार सस्ता सस्ता खरीद के फट फूट गया, मैं परेशान हो गया था, इस बार मैंने 5 का ही ले लिया, तुम्हारा साला 5,000 का, हर बार कहते हो ना मेरा 16,000 का है, मेरा 17,000 का है, इस बार 5,000 का जूता देखो अब तुम, हाँ तो आपको दिखाते हैं हम इस जूते का प्राइस, देखो ये प्राइस अभी भी नहीं तोड़ा है मैंने, देखो ये 5,800, बट गाइस जूता बहुत ही तगड़ा है, इसको पहनने में भी अब मुझे डर लग रही है कि पहनूं कि नहीं पहनूं, 5,000 का जूता, वाह बड़ा नाइस, इशू के इशू आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हम दिल्ली में आए, तुमने 5,000 का जूता दिलाया हमें, ठीक है थैंक यू सो मच। गाइस देखो इसका जेन्युइन रेट देख लो इधर पे, आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे, ये देखो ये 5,899 का है, और ये मॉल में सिलाया हूँ मैं, मॉल गाइस मॉल से, यहाँ पहली बार मॉल से एक जूता आया मेरे लिए, वाह 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 वाह, देख ले तू प्राइस, देख उसमें प्राइस देख ले, 5,000 का है, इसको दिखा कितने का, बाद में सच में यार ये तो 5,899 रुपए का जूता है, आ तो हमारी लुट्टी डुबा के आया नीरज, तभी कहता हूँ मेरे साथ मत आया करो, इसके साथ जा रहे थे हम करोल बाग, यहाँ में ले ही नहीं गया, तो गाइस मुझे 5,000 का जूता लेना, ये लेने नहीं देते, 1,000 रुपए का भरा देते, और मुझे लेना था एकदम, मैं 1,500 में मुझे पूरा टरकाने की उसमें थी, बट यार इस बार मैंने कहा जरा सिस्टम यार, फाइनली मेरा जो जूता है उसका मैं रेट बता रहा हूँ, वो 5,000 का था, बट उस मॉल पे ऑफ चल रहा था, ये मुझे मिला 2,500 का, ठीक है गाइस, तो 2,500 का मैंने जूता खरीदा है, तो अब हम घर कैसे जाएंगे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2,500 का तो जूता ही आ गया है, तो मुझे 1 तारीख तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पेमेंट आएगी तो मैं उससे घर जा पाऊंगा, तभी मैंने ये जूता लिया गाइस, रिस्क में अपने, अब देखते हैं क्या होता है। तो गाइस तो आज का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, कल तो बहुत ही धाकड़ ब्लॉग आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है गाइस, बहुत तगड़ा ब्लॉग आने वाला है, वो तुम्हारे लिए स्पेशल है, मतलब आपको सरप्राइज मिलेगा वो ब्लॉग, ठीक है, जिसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज ब्लॉग लाएंगे बहुत ही तगड़ा, ठीक है,
फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कल का वेट करो, कल मैं बहुत तगड़ा ब्लॉग आने वाला। ठीक है गाइस, बाय बाय।